से भी ज्यादा लोग हैं। इतने पुलिस फोर्स वेपन्स पावर होने के बावजूद एक क्रिमिनल इतना बवाल मचा रहा है, मतलब पुलिस अपना काम नहीं कर रही। बात करने से कुछ नहीं होगा, उसे पकड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी और आप देख रहे हैं फिल्मी मार्ट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म वैतैया के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा के 14 दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, आलिया भट्ट की फिल्म जिगरा, पैन इंडिया फिल्म मार्टिन और विक्की विद्या का वो वाला वीडियो के एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। साथ ही इनमें से आपके पसंद की फिल्म कौन सी है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें बॉलीवुड की कॉमेडी ड्रामा फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो, जिस फिल्म को डायरेक्ट किया है राज सांडेल ने, और इस फिल्म में हमें देखने को मिलेंगे राजकुमार राव, तृप्ति डिमरी, उनके साथ फिल्म में विजय राज और मल्लिका शेरावत भी देखने को मिल रहे हैं। बता दें कि इस फिल्म का जो ट्रेलर था वो काफी फनी था और इस फिल्म के ट्रेलर को दर्शकों ने पसंद किया था, जिसके चलते रिलीज होने से पहले इस मूवी का जो बज है वो काफी अच्छा बना हुआ था। और फाइनली यह मूवी रिलीज होने जा रही है कल। और दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग में ही काफी शानदार कमाई कर ली है। जी हां दोस्तों, फिल्म को रिलीज होने में अब कुछ घंटों का समय बचा है, लेकिन अगर बात करें फिल्म के एडवांस बुकिंग कलेक्शन की तो वो पूरी तरह से धमाकेदार हो चुका है। जी हां दोस्तों, बता दें कि विक्की विद्या का वो वाला वीडियो का फर्स्ट डे का जो एडवांस बुकिंग कलेक्शन है इंडिया से, वो 3,68,00,000 रुपए का हो चुका है। वहीं फिल्म ने अपने दूसरे दिन के लिए 2,41,00,000 रुपए और तीसरे दिन के लिए 1,92,00,000 रुपए का एडवांस बुकिंग कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म ने अपने पहले वीकेंड के लिए एडवांस बुकिंग 8,01,00,000 रुपए की कर ली है। देखते हैं कि कल जब यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी तो कितनी बड़ी ओपनिंग ले पाती है। वहीं दोस्तों अब अगर बात करें बॉलीवुड की एक्शन थ्रिलर फिल्म जिगरा के बारे में, तो फिल्म को डायरेक्ट किया वसंत बाला ने और इस फिल्म में हमें आलिया भट्ट और वेदांग रैना देखने को मिलेंगे। बता दें कि इस फिल्म को प्रोड्यूस खुद आलिया भट्ट ने किया है। जानकारी के लिए बता दें कि पिछले दिनों जिगरा फिल्म का जब ट्रेलर रिलीज हुआ था उस ट्रेलर को पब्लिक की तरफ से मिला जुला रेस्पॉन्स मिला था। अब फिल्म को रिलीज होने में कुछ घंटों का समय बचा है। बता दें कि इस फिल्म की एडवांस बुकिंग कल पूरी तरह से शुरू हो चुकी थी और यह फिल्म ने एडवांस बुकिंग में एक तरह से ठीक ठाक सा रेस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं उम्मीद कर सकते हैं कि आलिया भट्ट की यह फिल्म एक बढ़िया ओपनिंग कर सकती है। बात करें फिल्म जिगरा के फर्स्ट डे इंडिया एडवांस बुकिंग की, तो इस फिल्म ने अपने पहले दिन के लिए इंडिया से 2,29,00,000 रुपए, दूसरे दिन के लिए 1,84,00,000 रुपए, वहीं तीसरे दिन के लिए 1,58,00,000 रुपए का एडवांस बुकिंग कर लिया है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का जो 3 दिनों का वीकेंड का एडवांस बुकिंग है वो 5,71,00,000 रुपए का हो चुका है। अब दोस्तों यह फिल्म जब कल बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी तो देखते हैं कि कितनी बड़ी ओपनिंग ले पाती है और इस फिल्म का जो फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो कितना हो पाता है। वहीं दोस्तों अब बात करें कल रिलीज होने वाली एक और पैन इंडिया फिल्म मार्टिन के बारे में, तो बता दें कि इस फिल्म की जितनी ज्यादा उम्मीदें थी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतना बड़ा कमाल करने में कामयाब नहीं होने वाली। क्या दोस्तों, फिल्म की एडवांस बुकिंग को देखकर तो यही लग रहा है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतना बड़ा कमाल नहीं कर पाएगी जितना टीजर रिलीज होने पर इस फिल्म का बज बना था। क्योंकि 1.5 साल पहले जब इस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था तो इस फिल्म का काफी बड़ा बज बना हुआ था, लेकिन फिल्म के बार बार पोस्टपोन होने की वजह से इस फिल्म का बज है वो पूरी तरह से ठंडा पड़ चुका है। और अब फाइनली जब यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने जा रही है तो दर्शक इस फिल्म में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। बता दें कि ध्रुवा सरजा की इस फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ समेत काफी सारी अदर भाषाओं में भी रिलीज किया जाएगा। बात करें फिल्म के एडवांस बुकिंग कलेक्शन की, तो इस फिल्म ने अपने पहले दिन के लिए इंडिया से सभी भाषाओं में 2,78,00,000 रुपए का एडवांस बुकिंग कर लिया है। वहीं दूसरे दिन के लिए फिल्म ने 1,34,00,000 रुपए, वहीं अपने तीसरे दिन के लिए 1,19,00,000 रुपए की एडवांस बुकिंग कर ली है। यहां दोस्तों 100 करोड़ रुपए के बजट में बनी यह फिल्म अपने पहले वीकेंड के लिए 5,31,00,000 रुपए की एडवांस बुकिंग कर पाई है। अब देखना यही होगा कि कल जब यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी तो कितना अच्छा ओपनिंग ले पाती है और उसके बाद इस फिल्म को कैसे रिव्यूज मिलते हैं और रिव्यूज के बाद यह फिल्म कितना और अच्छा प्रदर्शन कर पाती है और इस फिल्म का फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या होने वाला है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वहीं दोस्तों अब बात करें शिवा कोटला के डायरेक्शन में बनी फिल्म देवरा के बारे में, तो इस फिल्म में जूनियर एनटीआर के साथ जानवी कपूर और सैफ अली खान देखने को मिले थे। फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ 5 भाषाओं में 27 सितंबर को रिलीज किया गया था और उस हिसाब से दोस्तों इस फिल्म को 2 हफ्ते कंप्लीट हो चुके हैं। यहां दोस्तों फिल्म ने सिनेमाघरों में 14 दिन पूरे कर लिए और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म ने शुरुआती 2 हफ्तों के अंदर सभी भाषाओं में एक शानदार कमाई कर ली है।
और यह फिल्म जूनियर एनटीआर के कैरियर की वन ऑफ द बिगेस्ट हिट फिल्म बनने जा रही है। अब जब फिल्म का कल से तीसरा हफ्ता शुरू होगा और तीसरे हफ्ते में काफी बड़ी नई नई फिल्में रिलीज हो जाएंगी, उसके बाद यह फिल्म अपने तीसरे हफ्ते में किस तरह का रेस्पॉन्स दिखाती है यह देखने वाली बात होगी। अब अगर बात करें फिल्म देवरा के अभी तक के यानी 14 दिनों के टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो बता दें कि फिल्म देवरा ने अभी तक अपने 14 दिनों में इंडिया से सभी भाषाओं में 384 करोड़ रुपए का क्रॉस कलेक्शन कर लिया है। वहीं फिल्म ने ओवरसीज मार्केट से भी अभी तक 96 करोड़ और 4 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया है, जिसके चलते फिल्म देवरा का अभी तक यानी 14 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है 480 करोड़ और 4 लाख रुपए का। जी हाँ दोस्तों, 300 करोड़ रुपए के बजट में बनी फिल्म देवरा ने 14 दिनों में सभी भाषाओं से 480 करोड़ रुपए की शानदार कमाई कर ली है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट बन चुकी है। वहीं दोस्तों, अब अगर बात करें सुपरस्टार रजनीकांत की एक्शन पैक फिल्म वेतैया के बारे में, तो इस फिल्म में हमें रजनीकांत और अमिताभ बच्चन पूरे 30 साल बाद एक बार फिर से साथ में देखने को मिल रहे हैं। वहीं फिल्म में इन दोनों के अलावा राणा दुग्गावती और फैद फाजल भी नजर आ रहे हैं। बताते चलें कि यह फिल्म आज दुनिया भर के सिनेमाघरों में हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ 5 भाषाओं में रिलीज कर दी गई है और रिलीज होते ही इस फिल्म ने साउथ लैंग्वेज में काफी अच्छा बज क्रिएट कर लिया है, जिसके चलते फिल्म रिलीज होते ही पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से धमाकेदार ओपनिंग मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि दोस्तों, फिल्म का हिंदी मार्केट है वो पूरी तरह से ठंडा रहा, क्योंकि मेकर्स ने इस फिल्म को हिंदी मार्केट में सही से प्रमोट नहीं किया था, इसके कारण यह फिल्म हिंदी मार्केट में उतना कमाल नहीं कर पा रही है। हालांकि बात करें फिल्म के पांचों भाषाओं के पहले दिन के टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, उससे पहले हम बताते हैं कि इस फिल्म के बजट और रिकवरी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फिल्म वैतैया 300 करोड़ रुपए के बड़े बजट में बनकर तैयार हुई है। फिल्म ने रिलीज होने से पहले ही अपने डिजिटल राइट्स 90 करोड़ में बेचे हैं, वहीं फिल्म के जो सैटेलाइट राइट हैं वो 65 करोड़ रुपए में बिके हैं। साथ ही फिल्म के म्यूजिक राइट्स 16 करोड़ रुपए में और हिंदी थिएट्रिकल राइट्स हैं वो 27 करोड़ रुपए में बिक चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब ये है कि रिलीज होने से पहले ही फिल्म ने 198 करोड़ रुपए की रिकवरी कर ली है। वहीं अब बात करें फिल्म के पहले दिन के सभी भाषाओं के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो फिल्म वैतैया ने अपने पहले दिन इंडिया से सभी भाषाओं में 47 करोड़ रुपए की ओपनिंग करने जा रही है। वहीं फिल्म का पहले दिन का जो ओवरसीज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो भी 28 करोड़ रुपए को टच कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म अपने पहले दिन दुनिया भर से सभी भाषाओं में 75 करोड़ रुपए की ओपनिंग लेने वाली है। जी हाँ दोस्तों, रजनीकांत की फिल्म वैतैया पहले दिन लगभग 75 करोड़ रुपए की कमाई दुनिया भर से कर रही है। अब दोस्तों, फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग तो पूरी तरह से धमाकेदार मिल चुकी है। अब देखना यही होगा कि आने वाले वीकेंड में इस फिल्म के कलेक्शन में कितना बड़ा इजाफा हो सकता है और क्या यह फिल्म रजनीकांत की पिछली फिल्म जेलर की तरह एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बन सकती है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही डेली बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।